गुजारिश करता हूँ कि आप उनका स्वागत करें। क्या है, मैं दीपक भाव से गुजारिश करता हूँ कि आप उनका स्वागत करें। सर इधर 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 सर, एक कैमरे में देखिए, हाँ इधर देखिए सर, स्माइल। स्पीकर बन चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या प्लान्स है आपकी पार्टी के लिए, लाइक आपने अभी क्या क्या प्लान किया है 2024 में, आप क्या क्या करने वाले हैं जनता के लिए? सबसे पहले तो अंसारी साहब को बधाई देता हूँ कि हमारे पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि अंसारी साहब अपना काम अच्छी तरीके से निभाएंगे और हमारी पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, और जहाँ पे अपना भारत का संविधान बाबा साहब ने जो दिया है और उस संविधान के ऊपर सारा देश चल रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि और भी कोई गांव खेड़े में जो गरीब लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज़ उठाएंगी, और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है, ये पार्टी हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो आपने फैजान सर को कैसे चुना, क्योंकि एक पार्टी में किसी का आना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसका इम्पोर्टेंट तब आता है जब वो काम करता है। तो देखो, उनका काम देखा हमने, बिग बॉस में भी वो आए हुए हैं, तो वो हिसाब से उनकी इच्छा भी है कि मुझे कुछ करना है, हमारे समाज के लिए कुछ करना है, तो हम लोग बोले कि भाई चलो अच्छी बात है कि दिल से कोई कर रहा है, तो उनको हम लोग एक मौका देना ज़रूरी है और उनकी उनको बढ़ावा देना ज़रूरी है कि पार्टी के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए वो अच्छा काम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल इस पे कहना चाहूँगा कि मुझे दीपक भाई का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट से मुझे नवाजा है। मुंबई महाराष्ट्र में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और आज तक जितने भी गलत चीज़ें हुई हैं उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, भले ही वो कितने बड़े नाम हो, भले ही राखी सावंत हो, उर्फी जावेद हो, एलविश यादव हो, या बिग बॉस के मनोहर फारूकी हो, जितनी भी गलत चीज़ें हुई हैं आप सब लोगों को पता ही, उस पर मैंने आवाज़ उठाई। अपना भी उर्फी का जिक्र किया है, तो कुछ टाइम पहले बीजेपी के एक नेता थे चित्रा जी, ने भी जी उर्फी के ऊपर केस किया था उनके कपड़ों को लेकर। देखिए, वो बीजेपी पार्टी है या आरपीआई है, सो वो लोग उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया, बट आरपीआई ने जो हमेशा किया है उस पर वो लोग अटल रहे हैं और उसका रिजल्ट तक पहुँचा है। और अभी मेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह का माहौल उर्फी जावेद मुंबई महाराष्ट्र में ख़राब कर रही हैं, जो और भी पार्टीज़ ने आवाज़ उठाई है, तो उसके खिलाफ़ भी मैं बोलूँगा। और अभी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, जैसे वो गलत कपड़े पहन के पब्लिक प्लेसेस में जा रही हैं, उसको काफ़ी पार्टीज़ ने बोला है बट उसने अभी तक नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उर्फी जावेद उस चीज़ों को गलत चीज़ों से सही करे, जो भी पार्टी के जो नियम हैं, क्योंकि देखिए इंडियन कल्चर नहीं है जिस तरह के उर्फी जावेद कपड़े पहनती है, दुनिया को मालूम है। तो मेरी रिक्वेस्ट उससे ये है कि जो इंडिया का कल्चर है उस तरह के कपड़े पहने पब्लिक प्लेस में जाके, ताकि जो यूथ है जो उससे अवेयर हो रहा है, जो इंस्पायर हो रहा है, तो वो गलत मैसेज नहीं जाए। डू यू थिंक दैट कि ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है कपड़े को लेकर, बिकॉज वो उसकी लाइफ है, उसके रूल से वो कुछ भी पहने, आप और मैं कोई नहीं होता, बट देश में बहुत से मुद्दे हैं जिसका आपको चर्चा करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, बड़ा मुद्दा इसलिए है कि अगर एक वो पब्लिक फिगर है उर्फी जावेद, और वो भी बिग बॉस रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो अब ये एक पब्लिक फिगर होकर एक फैमिली उसको देखती है, लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है जो स्कूल कॉलेजेस की गर्ल्स हैं उनको बहुत गलत मैसेज जा रहा है उसके फोटोज़ देख के, और कितने लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई है। तो अभी मैं इसकी लड़ाई को कंटिन्यू रखूंगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि उर्फी जावेद को ये सब बदलना पड़ेगा, और अच्छी तरह से अच्छे कपड़ों के साथ पब्लिक प्लेसेस में आना चाहिए, ताकि यूथ को अच्छा मैसेज मिले, क्योंकि कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, उसको उर्फी से इंस्पायर हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये सब बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बिग बॉस का जिक्र किया, तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहते हैं,
देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि अभी बिग बॉस में सना मकबूल विनर हो सकती है, मैं उनको पर्सनली अच्छे से जानता भी हूँ। और लवकेश कटारिया का मुझे बहुत अनफेयर लग रहा है उनका बिग बॉस में आना, किसी भी नई रीज़न से वो वहाँ पे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सना मकबूल को चांस मिलना चाहिए। और मेन हमारे बस पार्टी का मुद्दा ये है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी जिन लोगों को सही राइट्स नहीं मिल रहा है, सही कह रहा हूँ सर मैं, उन लोगों को सही मुद्दा मिलना चाहिए। पूरे मुंबई महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जो भी जितने शेड्यूल कास्ट एसटी के लोग हैं उनको ऊपर मुद्दे पर लेके आएंगे, सबके लेवल में लाके उनको बिठाएंगे। ये हमारी लड़ाई है, हमेशा से सर ने उन लोगों को सपोर्ट किया है। सर लास्ट पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं खाली आपको बधाई, देखिए अच्छा काम आगे करें जी, अच्छा काम की देखिए हमारी उम्मीद है। और अभी आरपीआई पूरे देश भर में नाम कर रही है धीरे धीरे, तो इसलिए मैं भी इस पार्टी जुड़ा हूँ कि इस पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाना है और सही का साथ देना है, गलत चीज़ को मिटाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।